अभी हमारे साथ उत्तराखंड के मशहूर फुटबॉलर जितेंद्र सिंह बिष्ट हैं। आइए जानते हैं कैसे इनकी स्ट्रगल लाइफ रही और ये आगे क्या करने वाले हैं। तो आज आपको हमें ब्रांड एम्बेसडर की तरफ बुलाया गया है, आपका इतना नाम है, फेमस है आप, आपको एक यूथ आइकन की तरह देखा जाता है, वो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है और थैंक यू बोलता हूँ सर को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के। और अभी तो कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत आगे जाना है। और अभी जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे कोचेस के वजह से हूँ, तो उनको मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बहुत से फुटबॉलर आज हमारे साथ हैं जो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, उनको आपका क्या मैसेज है? मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करो, अपने कोचों को रेस्पेक्ट करो, वो जो कहते हैं उनको सुनो और मेहनत करो, ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, लाइफ में जरूर सक्सेस करोगे आप लोग। अगर मैं भारत की बात करूं, यहाँ पर क्रिकेट के प्रति लोगों का कुछ रुझान ज्यादा है, तो आपको लगता है क्या फुटबॉल को क्रिकेट के मुकाबले यहाँ पर दबाया जाता है या फिर उसको कम प्रमोट किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट अपनी जगह इंडिया में बहुत अच्छा है और हमें खुशी है कि क्रिकेट इतना अच्छा है इंडिया में और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फुटबॉल भी अच्छा हो। और मैं यही बोलना चाहूँगा, ऐसा ये गलत सोच है कि क्रिकेट फुटबॉल को दबा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्रिकेट अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहा है और फुटबॉल भी बहुत इम्प्रूव कर रहा है और फ्यूचर में होप सो और भी अच्छा करेंगे हम। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं फुटबॉल के स्टेडियम्स की, तो उत्तराखंड उस मामले में कितना आगे है, कितना पीछे फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में? इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तो एक ही आदमी है जो उत्तराखंड के फुटबॉल को मोस्टली प्रमोट कर रहे हैं सर, तो अगर इनको और सपोर्ट मिले स्टेट का तो होप तो और भी अच्छा होगा और उत्तराखंड से प्लेयर और भी आएंगे इंडियन टीम के लिए, लेकिन अभी तो ये तो अच्छा है, ठीक है, अच्छा है। आपका रोल मॉडल कौन है? छेत्री। अगर मैं बात करूं कोई कलाकार हो या फिर खिलाड़ी, उसके पीछे की स्ट्रगल लाइफ रहती है, तो अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। ऐसे स्ट्रगल हर आदमी के लाइफ में स्ट्रगल होता है, अगर स्ट्रगल नहीं है तो वो उसका स्टोरी नहीं बनता, जैसे MS धोनी हो गया। स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है जो आदमी को और स्ट्रांग बनाता है, जो आदमी को मदद करता है स्ट्रांग बनने में, आगे जाने में, तो इसको हम बुरा नहीं बोल सकते या फिर ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे लाइफ में क्यों आया, हमें फेस करना है, स्ट्रगल से सीखना है और आगे बढ़ना है। आप एक यूथ आइकन है, काफ़ी लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, आपके दिल में कौन है, अगर अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहें? नहीं, फुटबॉल ही लव है, सब कुछ फुटबॉल है। अच्छा, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो हम छुट्टी में आए हैं घर, तो अभी एकेडमी में फिर जाना है, इंडियन टीम में, फिर पता चलेगा नेक्स्ट प्लान क्या है। अभी तो ऐसे छुट्टी में एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमको इंटरव्यू देने के लिए।